हर की बॉडी पे जो कितनी बड़ी क्रेन या फिर क्या एक्सावेटर है, जिसे जेसीबी या एक्सावेटर बोलते हैं, यहाँ पर खड़ी है। इस वाले पुल से इस ओर का नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आता है, जहाँ पर कभी लोहे वाले ब्रिज नज़र आते थे। और भाई देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ निकली छोटी वाली रेल की पटरी, अंग्रेजों के ज़माने की ये रेल की पटरी है। गंगा जी के बीच में जितने लोहे वाले पुल थे वो हटाए जा रहे हैं। जय गंगे मैया दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार पर, और आपको हर की पौड़ी का सारा नज़ारा जो इस वक्त बदला बदला सा लग रहा होगा, क्योंकि भाई गंगा जी में जल बंद कर रखा है और यहाँ पर सफाई का और मेंटेनेंस का कार्य जो लगातार चल रहा है। ऐसे में हर की पौड़ी के बगल में जितने भी यहाँ पर लोहे के पुल थे जो कि कुंभ के दौरान लगे थे, वो सारे के सारे हटा लिए गए हैं, और ये उनके पिलर पिलर बचे हैं यहाँ पर। और एक पिलर के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा भी हुआ हूँ। सो ऐसे में यहाँ पर हरिद्वार का पूरा नज़ारा बदल चुका है, हर की पौड़ी का, मतलब काफ़ी खुला खुला लग रहा है, क्योंकि इस ओर जो लोहे के सारे पुल नज़र आते थे, इस ओर है सामने क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के इस ओर यानी ब्रह्मकुंड के सामने की ओर, इस ओर की तरफ जो यहाँ पर जो लोहे के पुल नज़र आते थे ना, वो सारे हटा लिए गए हैं। सो ऐसे में आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, हर की पौड़ी पर क्या चल रहा है और भाई कितना कार्य हो चुका है और कितना होने वाला है और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। जय माता दी। सामने है माँ मनसा देवी का मंदिर पहाड़ों पर, और भाई इस वक्त हम हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में, और इस बार जब भी आप हर की पौड़ी पर आएंगे ना, तो आपको सब कुछ बदला हुआ मिलने वाला है, क्योंकि भाई हर की पौड़ी के जो घाट के लोहे वाले जितने भी ब्रिज थे वो सभी के सभी हटा लिए गए हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो हाइड्रा जान लगाते हुए, और भाई देखो कितना वेट है इसके अंदर, मतलब ये पुल का जो साइड की सपोर्ट होती है ना रेलिंग, वो रेलिंग है। अब देखो एक हाइड्रा इस ओर लगा हुआ है इसमें, और भाई ये ना इनके टायर ना स्लिप मार रहे हैं और हाइड्रा उठ जा रहा है पीछे से। सो हल्का हल्का इसको सरका रहे हैं और फिर उसको लूज़ करके, मतलब उसको छोड़ के फिर हाइड्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर जल जो बंद कर दिया गया है, सफाई का कार्य चल रहा है, और भाई देखो यहाँ पर नीचे की तरफ निकली छोटी वाली रेल की पटरी, जो पुराने टाइम में जो रेल चला करती थी ना, उनका जो व्हील का गैप था बहुत कम होता था। तो ऐसे में देख सकते हैं भाई गंगा जी के अंदर है ये रेल की पटरी, यानी इस तरह से यहाँ से जो रेल जाती थी उस ओर, और बाद में जो गंगा जी को इस ओर डाइवर्ट किया गया होगा ना, तो उसके बाद इस ओर रेल की पटरी को बंद कर दिया गया, फिर पहाड़ों के अंदर से रेल की पटरी गई, जो कि बड़ी ट्रेन गुजरती है वहाँ पर बड़ी पटरी पर। सो ऐसे में देख सकते हैं ये है गंगा जी पे अंदर, मतलब अभी तो अंदर ही आ चुकी है ये रेल की पटरी है, जो अभी भी नज़र आती है, जो कि पुराने ज़मानों की, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की ये रेल की पटरी है। सो गाइस, इस वक्त हम गंगा जी के अंदर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रा, और भाई इस ओर ट्रैक्टर, और इस ओर दूसरा ट्रैक्टर, और भाई इस तरह से यहाँ पर जो काम हो रहा है, और यहाँ पर जितने भी पुल नज़र आते हैं ना सारे लोहे वाले, वो सारे यहाँ से हटा लिए गए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कुंभ के दौरान लगे थे, आई थिंक अर्धकुंभ में लगे थे, अब इससे पहले तो महाकुंभ भी था, अभी उससे पहले जो अर्धकुंभ था उसके दौरान, उससे पहले बने थे। ऐसे में अर्धकुंभ जैसे ही आएगा उस दौरान इन पुल को फिर से बनाया जाएगा, सबको रिपेयर करा जाएगा और दोबारा से बनाया जाएगा, देखो यहाँ पर कार्य करते हुए। सो ऐसे में कितने हाइड्रा काम कर रहे हैं, एक हाइड्रा ये हो गया, और भाई एक ट्रैक्टर यहाँ पर ये रहा, और एक हाइड्रा वो रहा, और एक हाइड्रा उधर ऊपर की तरफ खड़ा है, जो कि लोहे के पुल को ले जा रहे हैं, यहाँ से हटा दिए गए हैं, ऑलमोस्ट रेलिंग जा रही है, बीच का पोर्शन तो हटा लिया गया था, साइड वाली रेलिंग अब जा रही है। ऐसे में गंगा जी का जल देखो हल्का सा डाइवर्ट कर रखा है, जो इस ओर आ रहा है, और थोड़ा बहुत हर की पौड़ी की ब्रह्मकुंड की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने दिया जाता हर की पौड़ी के मुख्य घाटों पर, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन बना रखा है। इधर से ये चंडी घाट नीलधारा में चला जा रहा है, वहीं उधर से थोड़ा जल जो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर चला जा रहा है। ऐसे में अगर आप आते हैं तो स्नान करने के लिए आपको थोड़ा बहुत जल तो मिले जाएगा, लेकिन दीपावली पर या फिर दीपावली के बाद जो बहुत ज़्यादा जल आपको मिलेगा स्नान करने के लिए, प्रॉपर जल जिसे बोलते हैं, इस ओर स्नान करने के लिए प्रॉपर जल है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना डाइवर्जन बना रखा है, जो गंगा जी का जल जो डाइवर्ट कर दिया गया है नीलधारा गंगा जी में। सो ऐसे में यहाँ पर बहाव तो काफ़ी तेज है, मे भी हो सकता है गहरा भी हो, क्योंकि यहाँ पर अभी कार्य हुआ तो कहीं पर रेत बजरी निकाली गई है, ऐसे में निकाली गई, तो मे भी हो सकता है इधर की तरफ गहरा हो। सो ऐसे में इस ओर स्नान करना पड़ रहा है। सो आज अगर डेट की बात करें, आज है 21 अक्टूबर, शुक्रवार का दिन है। सो ऐसे में देख सकते हैं क्या नज़ारा है हर की पौड़ी हरिद्वार पर, और भाई इस ओर जो है VIP घाट, भाई ये जो है VIP घाट है इस ओर। सो VIP वगैरह आते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी या नेता वगैरह हो गए तो उनके लिए रिजर्व रहता है, बेसिकली वो बुकिंग करके इधर मूवी शूटिंग वगैरह, या फिर ताकि क्राउड में ना फंस जाएँ, इस ओर ही जाके वो स्नान करते हैं या इस घाट पर विजिट करते हैं। गहराई की अगर बात करें ना, देखने में लगता होगा कि काफ़ी कम जल होगा, अगर यहाँ से गहराई की अगर बात करें, देखो ये गहरा कितना है, और वहीं ये जो साइड में पिलर खड़ा हुआ ना, वहाँ तक पानी जाता, ऑलमोस्ट उससे ऊपर भी चला जाता कई बार, तो ऐसे में 8 से 10 फुट के समथिंग इसकी जो
गहराई होगी, जो देखने में नॉर्मली बाहर से अगर हम देखें तो कम लगती है, बट जब अंदर आके देख रहे हैं ना तब पता चल रहा है कि 10 फुट के समथिंग या 8 फुट के समथिंग गहरा हुआ है यहाँ पर। कहीं पर पत्थर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर गहराई कम है, बट यूजुअली इतना रहता है। इस और तो और ज़्यादा गहराई बढ़ जाती है। इस वक्त हम हैं घंटाघर हड़की पौड़ी पर, और ऐसे में देख सकते हैं इस ओर जो कितनी बड़ी क्रेन खड़ी है, जेसीबी खड़ी है। बेसिकली इसे लोग ज़्यादातर जेसीबी बोलते हैं, बट इसका नाम है, इसे एक्सकावेटर है ये, जो कि खुदाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे जेसीबी, चाहे जिस तरह के जो मशीनें होती हैं जो खुदाई करती हैं, तो उन्हें एक्सकावेटर भी बोला जाता है। तो ऐसे हमें हड़की पौड़ी पर क्या कर रही है, हड़की पौड़ी पर कार्य चल रहा है भाई, रेत बद्दी सफाई का। सो इस वक्त हमें घंटाघर हड़की पौड़ी पर, और भाई यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ पर क्रेन खड़ी है, और भाई इस ओर एक रास्ता भी बना हुआ रेत बजरी का, जो अभी क्लीनिंग के पर्पज़ से बनाया गया और डाइवर्ट करने के लिए बनाया है गंगा जी में, जो अभी थोड़ा बहुत जो जल आ रहा है वो नीलधारा गंगा जी में चला जाए, क्योंकि इस ओर कार्य होना है भाई। सारे पुल हटा लिए गए हैं और सफाई का कार्य जो बरसात के बाद होता है, एक्स्ट्रा रेत बजरी पत्थर जितने भी होते हैं वो सब हटा लिए जाते हैं। सो गाइस, सामने का जो दृश्य देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप हड़की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य दृश्य। हड़की पौड़ी हरिद्वार के मुख्य घाट सामने है ब्रह्मकुंड हड़की पौड़ी, और इस ओर है अस्थि प्रवाह घाट। सो आज दिन है 21 अक्टूबर का, फ्राइडे का दिन है, तो ऐसे में देखते हैं अभी भी काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। हालांकि गंगा जी में जल बहुत कम है, स्नान करने के लिए प्रॉपर जल नहीं है, पर्याप्त जल नहीं है, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु इस घाट पर नज़र आ रहे हैं, हड़की पौड़ी के घाट पर नज़र आ रहे हैं। सामने है प्राचीन ब्रह्मकुंड मंदिर और गंगा जी का प्राचीन मंदिर। सो ऐसे में देखते हैं अभी जो सफाई का कार्य इधर जो कम्प्लीट होना है वो अभी नहीं हुआ, रेत आपको नज़र आ रहा होगा, अभी बीच में रेत हटेगा। हालांकि इस ओर देखो, मैं जूम करके आपको दिखाऊँ ना, इधर क्रेन खड़ी है, जो अभी कार्य होना है। इस वाले पुल से इस ओर का नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आता है, जहाँ पर कभी लोहे वाले ब्रिज नज़र आते थे, पूरा क्लीन हो चुका है, पूरा सफाया हो चुका है, जितने भी लोहे के पुल लगे थे जो कि कुंभ के दौरान लगे थे। सो ऐसे में काफ़ी ओपन ओपन लग रहा है फिलहाल, और यहाँ पर केवल एक ही ब्रिज बचा है, जो कि है धनुष ब्रिज। इस वक्त हम हैं हड़की पौड़ी को जोड़ने वाले पुल पर, जो कि पंजदीप पार्किंग को और हड़की पौड़ी को जोड़ता है। इस पुल का नाम है संजय पुल। यहाँ से जो इस तरह का नज़ारा दिखता है, सामने है भगवान भोलेनाथ की 160 फीट वाली मूर्ति, और ये वायर वाला ब्रिज, वहीं इस ओर है माँ गंगा जी की मूर्ति। सो ऐसे में देखते हैं अभी किस तरह का स्थिति है हड़की पौड़ी पर गंगा जी में। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डाइवर्जन बनाया गया, रेत बजरी से जल को डाइवर्ट कर दिया गया उस ओर, यानी नीलधारा गंगा जी की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं इस ओर पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया इस ओर, और जल आगे जाने नहीं दिया जा रहा। सो ऐसे में इस ओर का दृश्य आपको काफ़ी हद तक बदला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि भाई इस बार जो सारे के सारे लोहे वाले पुल हैं ऑलमोस्ट सभी हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक पुल को छोड़ के, जो कि है धनुष ब्रिज, वो अभी भी नज़र आ रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में देखा क्या स्थिति है हड़की पौड़ी हरिद्वार पर, और गंगा जी का जलस्तर कितना है, और कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, साथ ही जो मेंटेनेंस का कार्य है, सफाई का कार्य है, कितना हो चुका है और कितना बाकी है। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो आई पसंद तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।